बीच में बस शुरुआत करना चाहूँगा, मैं कभी इंदिरा लगता हूँ, कभी नेहरू लगता हूँ, कभी गांधी लगता हूँ, तो कभी वल्लभ भाई पटेल लगता हूँ, तो कभी सुभाष चंद्र बोस लगता हूँ, तो कभी जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। लेकिन इस बीच कुछ घटनाएं हुई हैं, इनके कुछ विधायकों ने आपस में और विधायक और सांसद में कुछ मारापीटी हुई और जबरदस्त हुई, और उसके बाद एक मंत्री का जो बयान आया वाकई में ऐसा था जिसने मुझे हिला दिया, आप भी हिल जाएंगे, और मतलब हिल तो नहीं जाएंगे बल्कि हंसेंगे, थोड़ा सा मनोरंजन है ये, पॉलिटिकल मनोरंजन लेके आना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों की पोल भी खोलना बहुत जरूरी है जिनको ज्ञान नहीं होता कि किस सेंस में वो बयान दे रहे हैं। तो दोस्तों पेश खिदमत है ये वीडियो, देख लीजिए उन साहब का, और गिनिए कितने पड़े और कितने लगे, और बयान सुन लीजिए साहब का, उसमें बता रहे हैं कि साहब विपक्ष की शादी साजिश। लेकिन इस गठबंधन को दिखाने के लिए थोड़ा ऊर्जा की भी आवश्यकता है, उस ऊर्जा का प्रदर्शन हुआ है, उसमें कहीं कोई ऐसी तो क्या ये गठबंधन को दिखाने के लिए जूते से पीट डाला गया? नहीं, किसी को कोई जूते से नहीं पीटा गया, न किसी को कोई गाली दी गई, ये केवल केवल कुछ विरोधियों की साजिश है जो इस तरीके से प्रोपोगंडा किया जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की। यानी कि इनकी नाकामयाबियां जो है सरकार की, उसके लिए भी विपक्ष जिम्मेदार है, और जो सफलता है उसके लिए खाली मोदी जी जिम्मेदार हैं। आज एक संदेश इस देश ने दिया मोदी जी की सरकार को, योगी जी की सरकार को, एक ऐसा थप्पड़ पड़ा है गाल पर कि गाल लाल हो गया है मोदी जी का भी और योगी जी का भी। हुआ क्या कि एक कश्मीर के बच्चे को, बेचारा ड्राई फ्रूट बेच रहा था लखनऊ की सड़कों पर, उसको कुछ भगवाधारी आए, जैसा कि मैंने बोला था ना कि ये गुंडागर्दी या तो सैनिक की वर्दी पहन के कर सकते हैं या भगवा वस्त्र पहन के कर सकते हैं, क्योंकि भगवा पे कोई दोष नहीं देता, क्योंकि उसको पवित्र माना जाता है। तो ये उस पवित्रता को कलंकित कर रहे हैं, हिंदुत्व को कलंकित कर रहे हैं जिन्होंने इस कश्मीरी युवक के साथ पिटाई की। इस बला बात करते हैं तो मुझे लगा और दिल को बड़ी मसरत हासिल हुई, दिल को इतनी खुशी हासिल हुई कि हाँ, हिंदुस्तान का आवाम कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा है। और मेरे कश्मीर के लोगों से भी कहना है, छोड़िए हिंसा का रास्ता, गांधी का रास्ता अपनाइए, देखते हैं आपकी कौन सी मांग नहीं मानी जाती, हम भी आपके साथ धरने में आके बैठ जाएं, क्योंकि आपके माँ बाप के भी सपने आपको लेकर कुछ होंगे, आपको लेकर जो हसीन सपने उन्होंने बुने होंगे अपने बुढ़ापे का सहारा देख करके, कि शायद आप उनकी बुढ़ापे में हेल्प करोगे। कश्मीर में वैष्णो देवी है, जम्मू एंड कश्मीर में अमरनाथ भी हैं, बाबा अमरनाथ जिनका मैं भक्त हूँ, जहाँ मोदी जी एक बार नहीं गए, वैष्णो देवी जिनका मैं भक्त हूँ, जो मेरी कुल देवी हैं। हो गई नफरतें बहुत, चलो अब कुछ आगे बढ़ें, कुछ और करें, दिखा दें दुनिया को कि हम एक हैं। ये मसले हल जब ही होंगे जो आज मिसाल कायम की है हिंदुस्तान के लोगों ने उस कश्मीरी युवक के साथ खड़े होके। मेरे दिल को बहुत खुशी पहुंची कि चलो हिंदुस्तान में कुछ आवाज़ें ऐसी तो हैं जो कश्मीर के साथ खड़ी हैं, देश के साथ खड़ी हैं, क्योंकि कश्मीर हमारे दिलों में धड़कता है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? इमोशनल हो गया हूँ, सॉरी, होना नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। जय हिंद, पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।